हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फाइल्स के बारे में कि फाइल्स जो है हमारी वो कितने टाइप्स की होती है, हम किस तरह से उनको यूज़ करते हैं, किस फाइल्स का कहाँ पर यूज़ करते हैं, कट ऑफ द फाइल, ग्रेड ऑफ द फाइल, सभी कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज अपनी इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ फाइल के बारे में कि जो हमारी जो फाइल होती है वो जनरली जो हम जनरली वर्कशॉप में यूज करते हैं, सेवन टाइप्स की फाइल्स यूज करते हैं, जो कि मैं सबसे पहले हमारी ये है हमारी फ्लैट फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, हैंड फाइल और नाइफ एज फाइल। तो ये हमारी सात तरह की फाइलें हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा ये देखिए आपकी ये जो हमारी ये जो फाइल है ये फ्लैट फाइल है। मैं इसके पार्ट्स के नाम वगैरह वगैरह इसके सभी कुछ है ना, और सब मैं इसके वीडियो बना चुका हूँ, मैं उसका लिंक्स आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसके पार्ट्स के नाम मटेरियल वगैरह आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो हम बात करने वाले आज टाइप्स ऑफ फाइल में, सबसे पहले देखते हैं हमारा ये फाइल है आप देख रहे हैं यहाँ से, ये हमारा फ्लैट फाइल है, इसको बोलते हैं हम फ्लैट फाइल, जो कि आप ये देख रहे हैं ये फ्लैट फाइल। कोई हमें जनरली वर्क करना होता है उसको फ्लैट फाइल की हेल्प से हम कोई भी मेटल से हमें कोई भी हल्का फुल्का कटिंग करनी है तो उसके लिए हम इस फ्लैट फाइल का यूज़ करते हैं। सिंपली जब हमें फ्लैट कोई कटिंग करनी है, मेटल से रिमूव करना है, तो उसके लिए हम ये फ्लैट फाइल का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रायंगल की फाइल, ये देखिए ट्रायंगुलर फाइल इसको बोलते हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं इसके थ्री साइड्स, ये ट्रायंगुलर फाइल है। जहाँ भी हमें कोने शेप्स कोई ट्रायंगल की शेप्स आ जाती है तो वहाँ पर हम इस फाइल का यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रायंगुलर फाइल्स। इसके बाद अगली हमारी ये स्क्वायर फाइल, ये देख रहे हैं इसकी जो क्रॉस सेक्शंस है वो पूरा हमारा स्क्वायर को क्रॉस सेक्शंस है, बिल्कुल स्क्वायर है चारों साइड से, ये हमारा स्क्वायर फाइल। जहाँ भी स्क्वायर कोनेस वगैरह स्क्वायर है वहाँ पर हमें इस फाइल का हम यूज़ करते हैं वहाँ पर। उसके बाद देखते हैं हम ये राउंड फाइल है हमारी, जहाँ भी हमें कोई राउंड गोल सुराख है वहाँ पर हमें फाइलिंग करके उस सुराख को बड़ा करना है, इस तरह की कोई भी फाइलिंग हो तो हम इस तरह से इस राउंड फाइल की हेल्प से उसको कर सकते हैं। उसके बाद अगली फाइल है हमारी हाफ राउंड फाइल, जैसा कि आप देख रहे हैं ना यहाँ से, जैसा पहले देखा था आपने राउंड फाइल पूरी राउंड थी, और ये देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हाफ राउंड फाइल है। कोई भी हाफ राउंड कर्व्ड हमें कर्व बनाने हैं, हाफ राउंड सर्कल बनाना है, तो उसके लिए हम इस हाफ राउंड फाइल का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है हमारी ये, इसको बोलते हैं हम हैंड फाइल या फिर सेफ एज फाइल। सेफ एज फाइल जो हैंड फाइल है और उसके बाद जो फ्लैट फाइल है उसमें क्या डिफरेंस होता है कि दोनों सभी सेम होती हैं। जो हमारी ये हैंड फाइल है वो यहाँ से लेके वहाँ तक बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक उसकी जो लेंथ होगी, जो इसकी ब्रेथ होती है ये बिल्कुल सेम रहती है, एकदम पैरेलल रहेगी, वो टेपर्स नहीं होती। बाकी जो ये फ्लैट फाइल आप देख रहे हैं इसका जो है ये वन थर्ड जो होता है हमारा वो टेपर्ड होता है, लेकिन हैंड फाइल में कोई भी इसका टेपर्ड नहीं होता, पूरी की पूरी लेंथ एक समान रहती है लास्ट तक। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होता है इस हैंड फाइल का यूज़, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो इसका एज है, देखेंगे आप यहाँ से बिल्कुल क्लीन है, इसमें इसके एक साइड एज पर दाते नहीं है, टीथ्स नहीं कटे हैं, और इसकी आप देखेंगे दूसरी साइड एज पे ये इस तरह के टीथ्स कटे हुए होते हैं, लेकिन इसकी जो एक साइड है वो बिल्कुल सेफ एज रहता है। कभी भी हमें कॉर्नर्स बनाने हैं, बीच में बनाना है, दूसरी साइड हम चाहते हैं कि वहाँ पर कोई भी पार्ट हमारा घिसे नहीं, तो उस तरह से हम एक साइड सेफ रहेगा हमारा और दूसरी साइड से कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये सेफ एज फाइल का यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं हम हैंड फाइल या सेफ एज फाइल। उसके बाद देखते हैं हम अगली फाइल हमारी ये नाइफ एज फाइल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है नाइफ मीन्स यानी चाकू। तो ये देखिए देखिए सेम चाकू की तरह के आप देखेंगे यहाँ से इसकी थिकनेस ज़्यादा है, उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो ये इसकी थिकनेस बहुत ही कम होती चली गई है, जैसे चाकू होता है हमारा चाकू की तरह इसकी थिकनेस कम होती चली जाती है, ये होती है हमारी नाइफ एज फाइल। जब भी हमें कोई कॉर्नर्स बनाते होते हैं, डेप्टल फिटिंग्स वगैरह के अंदर कॉर्नर्स बनाने होते हैं, तो उसके लिए फिर हम इस नाइफ एज की हेल्प से उनको बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कट के बारे में, जो इसमें कट सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम जो कट ऑफ द फाइल वो होता है, कट ऑफ द फाइल्स का मतलब होता है ये जो आपकी जो फाइल है उसमें जो दांतों की शेप्स है ना, दांतों की जो शेप बनी हुई है वो किस तरह की बनी हुई है, वो होता है हमारा
कट ऑफ द फाइल। तो देखिए अगर हम इस फाइल में देखें तो आप यहाँ पर दांते देखेंगे इसके, इसमें ये डबल कट दांते बने हुए हैं, इसमें एक साइड से भी और सेकंड साइड दूसरी साइड से भी ये डबल कट दांते हैं। तो जो कट की अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमारा सिंगल कट, डबल कट, स्पायरल कट, कर्व्ड कट और रास्प कट, ये हमारे अलग अलग दांतों की शेप्स होती हैं जो कि कट के अकॉर्डिंग होती है। तो ये देखिए जब आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कुछ कट्स किस तरह से होते हैं, आप देखिए यहाँ पर ये सिंगल, ये जो हमारा इस तरफ सिंगल है उसके ऊपर से एक और गई है, ये हमारा हो गया डबल कट फाइल। ये देख रहे हैं आप डबल कट फाइल। इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको एक सिंगल कट की फाइल दिखाता हूँ। तो देखिए अभी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सिंगल कट दांते हैं हमारी जो फाइल है उसमें ये सिंगल कट दांते कटे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से ये सिंगल कट दांते हैं इसमें, ये देखिए अब ये एक ही साइड दांते कटे हुए हैं, ये हमारी है सिंगल कट दांते। उसके बाद मैं आपको दूसरी फाइल दिखाता हूँ। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, आप इसमें देखिए यहाँ पर ये डबल कट दांते कटे हुए हैं इसमें, यहाँ से देखिए आप इसमें देखिए ये हमारे डबल कट दांते कटे हुए हैं। तो सिंगल कट, डबल कट, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको रास्प कट जो आते हैं हमारे जो हाफ राउंड फाइल होती है उसकी, जो हाफ राउंड फाइल में इसके ऊपर जो कट दांते बने हुए होते हैं ये हमारे रास्प कट दांते होते हैं। ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो दांतों की प्रोफाइल देख रहे हैं आप, ये रास्प कट प्रोफाइल है दांतों की। तो इस तरह से रास्प कट, और उसके बाद जो और बताया मैंने आपको जैसा कि कर्व्ड कट, कर्व्ड कट में क्या होगा ये हमारे दांतों की शेप कुछ इस तरह से होंगी, कर्व्ड कट ये होता है हमारा कर्व्ड कट। और उसके बाद एक और दांतों की शेप होती है जिसमें हम स्पायरल कुछ इस तरह से रोटेट करके इस तरह के कट बने होते हैं, स्पायरल कट, जो कि हम ज़्यादातर सॉफ्ट मटेरियल के लिए इन फाइलों का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये तो था कट के बारे में, कट ऑफ द फाइल क्या होता है। अब बात करते हैं हम अपनी इस वीडियो में कि ये जो हमारा ग्रेड होता है, ग्रेड क्या होता है, ग्रेड के अकॉर्डिंग हम जो फाइल्स होती है हमारी वो किस तरह हम उसको डिवाइड करते हैं। तो जो ग्रेड के अकॉर्डिंग होता है हमारा रफ ग्रेड होती है, बास्टेड ग्रेड होती है, सेकेंड कट है, स्मूथ है और डेड स्मूथ। सबसे पहले जानते हैं जो ग्रेड है वो क्या होता है। ग्रेड का मतलब होता है जैसे अभी हमारी ये फाइल है, आप देखेंगे यहाँ से ये जो फाइल है, इस फाइल में यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस या फिर 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर में दांतों की संख्या ग्रेड कहलाती है, यानी नंबर ऑफ टीथ पर सेंटीमीटर और 10 mm में दांतों की संख्या क्या होगी वो हमारा ग्रेड कहलाती है। ओके, तो ग्रेड के अकॉर्डिंग जो हम फाइल्स को डिवाइड करते हैं वो इसके अकॉर्डिंग जो फाइल्स होती है हमारी वो रफ ग्रेड, बास्टर्ड ग्रेड, स्मूथ, डेड स्मूथ, सेकेंड कट्स, ये हमारी ग्रेड्स के अकॉर्डिंग होती है। जितनी भी हमें अच्छी स्मूथ फिनिशिंग चाहिए उसके लिए हम डेड स्मूथ फाइल का करते हैं, फिनिशिंग के लिए हमारा स्मूथ फाइल का यूज़ करते हैं। अगर हमें ज़्यादा मटेरियल कट करना है तो उसके लिए फिर हम बास्टर्ड फाइल और रफ फाइल का यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में, जो फाइल होती है हमारा उसका क्या क्लासिफिकेशंस होता है, हमें इस फाइल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें फाइल्स के अंदर पता होना चाहिए सबसे पहला हमारा टाइप्स ऑफ द फाइल, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको 7 टाइप्स की फाइलों में से ये कौन सी टाइप्स की फाइल है, हमारी फ्लैट फाइल है। उसके बाद इसका कट ऑफ द फाइल, ये जो हमारी कट कौन सा कट है, सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट, कौन सा कट है वो पता होना चाहिए। उसके बाद इसका ग्रेड पता होना चाहिए और दूसरी है उसकी लेंथ, यानी हमारी इस फाइल की लेंथ क्या है, जो कि हमें लेंथ मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी, जो हमारा पॉइंट से लेके और इसके हील तक इसकी लेंथ को मेजर किया था। तो दोस्तों जो हमारा अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशंस है तो हमें क्लासिफिकेशंस के लिए लेंथ ऑफ द फाइल, शेप ऑफ द फाइल, कट ऑफ द फाइल और ग्रेड ऑफ द फाइल पता होना चाहिए, तभी हम किसी फाइल्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था आज हमारा टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस, ग्रेड, कट के बारे में फाइल्स में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करना, और अगर आप फाइल्स के बारे में ज़्यादा कुछ और भी जानना चाहते हैं तो मैं आगे स्पेशल फाइल्स के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें निडिल फाइल्स हैं, स्विच फाइल्स हैं और भी अलग अलग तरह की हमारी फाइल वार्डिंग, कैंटसा, फिदरेज, इस टाइप की जो स्पेशल फाइल्स होती हैं मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। Thanks for watching. Thank you.